हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अपने घरों में आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नवोदय जो आपका पेपर अभी 20 जनवरी को हुआ है 6 क्लास का, उसका रिजल्ट कब आएगा। प्यारे, बिल्कुल पूरी बात करेंगे कि पिछले साल रिजल्ट कब आए थे, कितने टाइम लगते हैं, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन मैंने अभी पिछले दिन आपके लिए एक वीडियो डाला था कट ऑफ का, बहुत सारे लोगों ने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी लोगों ने किए कि सिलेबस को लेकर के हमने कुछ जल्दीबाजी बोल दी थी वहां पे कि एवरेज चैप्टर, जी एवरेज चैप्टर जो था सिलेबस से निकाल दिया गया था। हमसे त्रुटि हो गई बोलने में, एवरेज चैप्टर को सिलेबस से निकाल दिया गया था। हालांकि जो किताबें छपी हुई थी उसमें एवरेज चैप्टर दिया हुआ था, हमने बच्चों को पढ़ाया था एवरेज चैप्टर। लेकिन इसके बाद भी जो बहुत सारे और चैप्टर थे, जैसे कि जो चैप्टर थे उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, और दूसरे ये जो एक कोड को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन आपका, जैसा कि मैं सिलेबस देख पा रहा हूं, मैंने सिलेबस देखा फिर दोबारा जाके देखा एक बार, तो उसमें मुझे नहीं दिखाई दिया कहीं भी कि कोड को लेकर के बात की जाएगी। और दूसरी चीज, एक सिलेबस यहां पर भी डाटा हैंडिंग को लेकर के किताबों में छपा हुआ था, जो नई किताबें आई थी कि डाटा हैंडिंग इस बार देगा, लेकिन यहां पर इस बार उससे क्वेश्चन हमें सिलेबस में नहीं देख रहा है कि डाटा हैंडिंग दिया गया। तो ऐसी कुछ दिक्कतें हैं, छोटे बच्चे हैं और उन्हें अगर हम बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं पहले, तो फिर पेपर में कैसे कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं, और जो उनके सिलेबस में रहता है उतना ही उनको पढ़ा दिया जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है ना। फोर्थ क्लास का बच्चा अभी फिफ्थ पास नहीं हुआ है भाई, बहुत बड़ी बात होती है ना। फिफ्थ में एंट्री मारा है, अभी फिफ्थ का पेपर होना बाकी है, तो बहुत बड़ी बात है। ज्यादा अगर किसी के लग रहा है कि नहीं बहुत कम नंबर हमारे बच्चे का है, गार्जियन के लिए खासतौर से बोल रहा हूँ कि बहुत कम नंबर हमारे बच्चे का है, आप ध्यान दीजिएगा। कहने के लिए देहात में कहावत है, दूसरे का सेनूर देख के लीलार कहें फोड़ते, है ना। तो दूसरे का सेनूर देख के लीलार नहीं फोड़ना चाहिए, अपने बच्चे की काबिलियत और अपने बच्चे को देखिए। आप दूसरे को मत देखिए कि उसने इतना कर लिया, कितना कर लिया, उसके साथ कैसी परिस्थितियां रही, वो क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा, हर चीज को कंपेयर नहीं किया जाता है। इसी का देन है कि आज आप देख रहे हैं, इसी का देन है कि बच्चे आज जो कि ज्यादातर आत्महत्याएं देखने को मिल रही हैं, और ये बैन भी लग गया कि 16 साल के बच्चों को अब कोचिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा ना। तो कहीं ना कहीं ये इसी का प्रॉब्लम है कि आप अपने बच्चों को सही से आंक नहीं रहे, दूसरे को देख के। आज हमारे यहाँ सिस्टम क्या हो चुका है कि हम दूसरे के दुख से ज्यादा खुशी होते हैं, अपने खुद से ज्यादा खुशी नहीं होते ना। तो प्रॉब्लम ये आ गई है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने बच्चे को परखिए कि मेरा बच्चा कैसा था अब कैसा है। अगर सुधार है तो बच्चा अच्छा है, अच्छा कर रहा है, अगर सुधार नहीं है तो सुधार कैसे करवाया जाए, इस पे काम करने की जरूरत है, इस पे उपाय ढूंढने की जरूरत है, ना कि उससे बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरत है ना। उस पे उपाय ढूंढिए, उपाय आप ढूंढ सकते हैं। लोग कहते हैं करें क्या, अरे भाई बहुत सारे उपाय हैं, ढूंढिए ना, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है ना। तो मिलेगा, बच्चा है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। और जब बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी आ रही है तो पेपर को देख लीजिए और ये सोचिए कि उस एज में मेरी स्थिति क्या थी, जिस एज में ये बच्चा पेपर दे रहा है, ऐसा क्या मैं उस एज में मैं पेपर दे सकता था क्या, पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे वैसी सुविधाएं नहीं थी, अरे भाई सुविधाएं जैसी थी वैसी ही स्थिति में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आज कंपटीशन बहुत बढ़ गया, बताइए 80 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन सही होने के बाद एडमिशन होगा, बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है, आपके घर भी बच्चा है, जेन्युइन बच्चों का हो ना, तो 60 क्वेश्चन सही होने पर एडमिशन होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं अभी भी फॉल्ट है, मैं तो भाई खुलेआम बोल रहा हूं, अभी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो थोड़ा सा अगर उस फॉल्ट को सुधारा जाए तो आपका बच्चा 60 जो किया हुआ है, 65 किया है, 63 क्वेश्चन सही किया है, 68 क्वेश्चन सही किया है, 70 क्वेश्चन उसका एडमिशन हो जाता है। लेकिन हम जो कट ऑफ दिए हुए हैं पिछले साल को देखते हुए दिए हैं, अभी एडमिशन जैसे हो रहे उसे दिए हैं ना। तो आप बिल्कुल ना परेशान हो, बहुत सारे लोग सर इतना नंबर हो जाएगा जी, बिल्कुल आप बिल्कुल उम्मीद करिए ना, 65 प्लस क्वेश्चन आपने सही किया, बिल्कुल उम्मीद किए रहिए कि आपके एडमिशन होंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए और बैठ के घूमिए ना, पढ़िए, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, 65 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं या 60 क्वेश्चन सही किए हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई करिए मन लगा के, और गार्जियन को ध्यान दीजिए बहुत अच्छा किया है, वरना पेपर उठा के आप देख लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ना लिखना है तो जो जानकार है उनको जरा दिखा दीजिए,
तो मैं अब आता हूं अपने मेन मुद्दे पर। ये तो रही मेरे पिछले क्लास की बातें, जो मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने देखा, और नाराज बिल्कुल अपने बच्चे से ना होइए। आपका बच्चा है, आपसे बेटर कोई समझ नहीं सकता है, और हालांकि मैं भी बहुत गुस्सा होता हूँ बच्चे पर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे मालूम है, मुझे ज्ञान देना होता है तो मैं गुस्सा होता हूँ, लेकिन हर जगह बच्चे को क्रिटिसिज्म ही किया जाए तो अच्छी बात नहीं है ना। वहाँ पे कुछ जगह पे आप ही को, आप भी उससे अगर दूरी बनाए, आप भी डांटने फिरने लगे तो किसके पास जाएगा अपनी बातें करने के लिए। थोड़ा सा आप अपने व्यवहार में नरमी लाइए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर गलत क्या हो रहा है। अगर बच्चा गलत है तो सही कैसे किया जाए, अगर गलती हो गई है, उम्र में गलती होती है, तो फिर तो खुद सही कर लेगा ना। आइए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 का रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों रिजल्ट की बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात आपको दिलाएंगे, याद दिलाएंगे कि पिछले सालों की बात हम आपको याद दिला दें। पिछला साल जो कि 2023 था, और जो 2023 की बात करें, 2023 में आपको 29 अप्रैल को आपका पेपर हुआ था, आपको याद होगा। आपको अगर याद नहीं है तो अपने भाइयों से पूछिए। 29 अप्रैल को पेपर हुआ था और 21 जून को रिजल्ट आया था। 21 जून को क्या हुआ था, इतना टाइम को पेपर हुआ था दोस्तों, और इतना टाइम को आपका रिजल्ट आ गया था। मैं इसके पहले भी जाता हूं एक साल, अगर मैं बात करूं तो 30 अप्रैल को पेपर हुआ था, यह बात मैं बता रहा हूं 2023 की, ध्यान दीजिए 30 अप्रैल को पेपर हुआ था। अगर मैं पहले जाऊं, ये पेपर है 2022 की बात करूं, अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं, इसका रिजल्ट आया था 8 जुलाई को। कब लेट हुआ था रिजल्ट, कब आया था 8 जुलाई, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं 2022 की, एयर कट समझने की कोशिश करिए। आप देख रहे होंगे लगभग 2 महीने टाइम, लगभग 2 महीने टाइम लग रहा है, लगभग 2 महीने टाइम लग रहा है। तो बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए आपको हम क्लियर बताएं कि आपका पेपर हुआ था, पेपर आपका हुआ है 20 जनवरी को। कब हुआ पहले, 20 जनवरी को पेपर हुआ, ठीक है, 20 जनवरी को पेपर हुआ। अगर मैं 2 महीना एग्जैक्ट लूं ऐसे, तो हो जाएगा 20 फरवरी 1 महीना, 20 मार्च 2 महीने, क्या होगा 20 मार्च आपके 2 महीने। आप यहां पे मिला लीजिए 29 अप्रैल, 29 मई और 29 जून से पहले रिजल्ट आ गया। यहां पे 30 अप्रैल, 30 मई और 30 जून के बाद रिजल्ट आया। मिला जुला के हम कह सकते हैं 30 जून के बाद 2-4-5 दिन इधर उधर गया, 8 दिन। तो हमारा रिजल्ट जो होगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो हमारा रिजल्ट आप बिल्कुल यहां पे आत्मा लगा सकते हैं कि 15 मार्च के आसपास हमारा रिजल्ट आएगा। कब आएगा, 15 मार्च को हमारा रिजल्ट आने की पूरी संभावना। देखिए इस बार सत्र इन्होंने चेंज किया है और ये अप्रैल से ही आपको एडमिशन दे देते, तो 15 मार्च के बाद, अभी रिजल्ट के बाद देखिए कितना टाइम लगता है, तुरंत ये निकालते हैं, 8-10 दिन के अंदर आपको बुलाना चालू करते हैं, 10-20 दिन लगते हैं जिसमें वो अपने तक बुला देते हैं। अगर वो 15 मार्च को बुलाते हैं तो केवल उनके पास 15 दिन बचे, थोड़ा सा बात को समझिएगा, क्योंकि उसके बाद अप्रैल आ जाए। भरसक मेरे हिसाब से इससे पहले रिजल्ट आना चाहिए, जल्दी दिखाएंगे, इससे पहले रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, 15 मार्च से पहले रिजल्ट आने की कोशिश करेगी, चाहे जितना दिन पहले आ जाए, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि 10 मार्च से 15 मार्च के बीच आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट किसका आएगा, नंबर आपको कट ऑफ पता हो गया, और जिनका कम हो गया, रंगने में गलती हो गई, कहीं त्रुटि हो गई, हार मत मानो यार, अभी शुरुआत हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं, आप जो किए हो आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप अच्छे हो, किसी कारणवश गलत हुआ, इसलिए मेहनत करो, जम के लग जाओ कि अगली बार नवोदय निकालेंगे नहीं, नवोदय टॉप करेंगे। क्या करेंगे, नवोदय टॉप करेंगे, जब हम 9th का देंगे ना, तो 9th में नवोदय टॉप करेंगे, फर्स्ट लिस्ट पे नाम आएगा। इस जोश और उमंग के साथ लग जाओ अभी से, और आप क्या करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, इसके लिए इसी चैनल पे, अभी तक मैं 6th क्लास के लिए आपको पढ़ा रहा था, खास तौर से मैथ, क्योंकि ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल नहीं है ना, तो यहां पे मैं सारी चीजें, अब पेपर हो नहीं पाता, तो मैथ का तो क्वेश्चन लिख के काम करा देता हूँ। हालांकि अब मैं बिना चेहरा दिखाए भी वहां पे आपको प्रश्न पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व कराने लगा, तो वहां पर, और बोर्ड पे आपको मैथ पूरा, अभी मैं 6th का पढ़ा रहा था आपको, अब मैं 9th का भी मैथ पढ़ाऊंगा। और 9th का जो बच्चे पेपर देने वाले, गार्जियन खास तौर से सुन ले,
अगर उनका बच्चा नाइन्थ का नवोदय का पेपर देने वाला है जो फरवरी में होने वाला है 10 फरवरी को, उसके लिए अब कल से शुरू होगा नाइन्थ की प्रैक्टिस सेट। और पूरा विश्लेषण के साथ बताऊंगा कि कैसे हम मैथ को, क्योंकि मैथ ही डर लगता है ना, 35 क्वेश्चन डर लगता है, तो उस 35 क्वेश्चन को कैसे चुटकी बजाते 35 मिनट के अंदर कर, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो से लेके आने वाले हैं। और इस पे ये मेरा जो रिजल्ट की वीडियो है, इस पे वेट करिए रिजल्ट। और रिजल्ट जब चेक किया जाना, किसी का भाग्य दुर्भाग्य से कुछ गड़बड़ हो जाना, तो घबराने की जरूरत नहीं ना, फिर से लगेंगे, फिर आएगा रीस्टार्ट ना, रीस्टार्ट फिर से शुरू करेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, मेरे बच्चे और गार्जियन दोनों लोग समझ पाए होंगे, और अपने बच्चों को आप समझाइए अगर बच्चे नहीं समझ पाए तो, कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मिला जुला के बच्चा हमारा है, वो अच्छा कर सकता है, कितना अच्छा कर सकता है वो तो बच्चा ही जाने, समय बताएगा। आप आकलन पहले से ना करें कि मेरा बच्चा ये करे मेरा बच्चा, बच्चे को करने दीजिए और आप निगरानी में रहिए कि किधर जाए, वो आप बताएं, वो आप जान पाए उसके चाल चलन, तो आपको देखना है। और मेन रूप से बच्चे को सुधारना है, देखना है तो उसकी फ्रेंडशिप सर्किल देखिए कि किस फ्रेंडशिप सर्किल में रहता है, क्योंकि फ्रेंडों से ही निर्धारण होता है बच्चे का, कि हमसे आपसे तो वो सामने क्या कहते हैं बगुला भगत बन के रहता है ना, सामने से बिल्कुल आडंबर बना के रहेगा, लेकिन जब दोस्तों के बीच में जाता है तो बिल्कुल असली रूप में आता है। तो दोस्त अगर अच्छे होंगे तो बच्चा अच्छा होगा, अच्छा सीखेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को बंद करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।